भाई लोग, मैं होप करता हूँ आप बहुत ज्यादा अच्छे होंगे और व्लॉग विद जाट की न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। तो भाई आज अपने सामने है पुरानी वाली होंडा अमेज, काफी ठीक ठाक सा लुक था पुरानी वाली अमेज का। नई वाली की बात करें तो उन्होंने ये बम्पर उन्होंने चेंज किया है, काफी कुछ चेंजेस दिए गए हैं, पर मेन जो मेरे को चेंज लगा वो इस बम्पर का है। बाकी एक बार आप इसका पूरा आउटर लुक देख लीजिए, फिर हम सारी चीजों के बारे में बात करेंगे, क्या क्या इस गाड़ी में चेंजेस हुए हैं और कैसी कैसी गाड़ी है। मेरे को पर्सनली बताऊं तो मेरे को ये वाला लुक ज्यादा प्यारा लगता था, नहीं से उन्होंने थोड़ा डिब्बा सा उसे बना दिया है। बाकी पीछे एक प्रीमियम सेडान में ये भी कंसिडर की जाती थी एक टाइम पे, अभी भी की जाती है, बट होंडा की सारी गाड़ियां पावरफुल तो होती होती हैं जैसा कि आपको मालूम ही है। बाकी ये इसका डीजल वेरिएंट, बात करेंगे इसके पावर जनरेशन की, कितना पावर वगैरह ये जनरेट करती है और उस टाइम पे कितने की पड़ी थी, हो सका तो एक बार ओनर से जरूर बात करेंगे इसकी। बट लुक वाइज ये गाड़ी बहुत ज्यादा क्लास लग रही, बहुत ज्यादा। सबसे पहले मैं अगर बात करूं, नजर जा रही है इसके हेलोजन हेडलाइट पर, सामने की साइड हेलोजन हेडलाइट्स मिल जाती हैं, बगल में हमें मिल जाता है इसके इंडिकेटर, नीचे की साइड कोई भी फॉग लैम्प का भी ऑप्शन नहीं दिया, मतलब ये आपको चेंज करवाना पड़ेगा, तब उसके बाद होगा, थोड़ी बहुत लग जाती है, काफ़ी टाइम हो गया गाड़ी को। बीच में देखें तो क्रोम फिनिश मिल जाती है, सेंटर में हमें मिल जाता है होंडा का लोगो और सामने से कुछ ऐसा प्यारा सा लुक है। अब इसके बाद चलें इसके टायर के पास, तो टायर हमें मिल जाते हैं जैसा कि आप देख सकते हो, सामने की साइड हमें मिल जाते हैं डिस्क ब्रेक, पीछे की साइड हमें मिल जाते हैं ड्रम ब्रेक, स्टील रिम, व्हील कैप के साथ हमें इसके टायर्स दे दिए गए हैं, 14 इंचेस के हमें टायर्स के अंदर मिल जाते थे, अब तो काफ़ी कुछ चेंज हो गया बट उस हिसाब से ये था। साइड में चले तो इधर हमें मिल जाता है इंडिकेटर का ऑप्शन, इधर पहले अब तो सारी गाड़ियों पे आप ORVM में मिल जाते हैं बट इसमें साइड में दिया गया, इधर हमें बॉडी कलर मिल जाते हैं ORVM, साइड में चले तो बॉडी कलर डोर हैंडल है, कीलेस का तो सीन था ही नहीं है, सात आठ साल इस गाड़ी को हो चुके हैं बट ठीक कंडीशन है और चल भी रही है अच्छी, एक बार ओनर से जरूर पूछेंगे इसका हाल। बाकी पीछे टेल लैम्प की बात करें तो हेलोजन टेल लैम्प्स मिल जाती हैं, इंडिकेटर मिल जाते हैं, बाकी पीछे अमेज की बैजिंग एस वेरियंट है इसका, बीच में मिल जाता है होंडा का लोगो और पीछे से कुछ ऐसा इसका लुक पूरा दिया गया है। बाकी अगर नीचे बात करूं तो नीचे मिल जाते हैं पार्किंग सेंसर्स, कैमरे का कोई भी सीन नहीं है, हाल फिलहाल नई वाली अमेज में तो आ रहा है टॉप एंड वेरिएंट 10 लाख का ऑटोमेटिक वेरिएंट, उसमें तो ये सब चीज़ें दे दी गई हैं, ये बेसिक्स ही हो गई हैं आज के टाइम पर, बाकी देखा जाए तो। अब ये आउटर लुक की बात हो चुकी है, ऊपर की साइड में एंटीना मिल जाता था, अब शार्क फिन एंटीना आने लग गया, तो ये सब डिफरेंसेस हैं इन गाड़ियों में जो उन्होंने चेंज किए हैं और थोड़े चेंजेस की जरूरत और है, थोड़ा सा और उस लुक को अच्छा किया जा सकता है। बाकी इसके बाद मैं आपको उसकी की दिखाता हूं, तो ऐसी कुछ है इसकी की, एक बार की बात करें तो ये कुछ की दी गई है, दो बटन दिए गए, सेंटर लॉकिंग आती है इसके अंदर, इसे मैं एक बार खोलता हूं, चलते हैं गाड़ी के अंदर। तो भाई ये है डोर, सबसे पहले अगर डोर की बात कर लें तो डोर हमें ब्लैक फिनिश में डोर मिल जाता है, मिल जाते हैं हमें इसमें ORVM के कंट्रोल, मिल जाते हैं हमें पावर विंडोज के कंट्रोल, नीचे की साइड में मिल जाता है बोतल होल्डर, बाकी स्पीकर्स का ऑप्शन, क्रीम और ब्लैक फिनिश का हमें कॉम्बिनेशन दे दिया गया इसमें। सीट्स की बात कर लूँ अगर मैं इसके बाद, तो सीट्स में अगर देखो तो आप ये एडजस्टेबल सीट्स हैं, आप इसे हाइट भी एडजस्ट हो सकती है, हाइट भी एडजस्ट कर सकते हैं, मतलब ये वाला फीचर सही था यार, 7 साल पहले भी गाड़ी में ये वाला फीचर था, आप हाइट भी एडजस्ट कर सकते हो, आगे पीछे भी, ये सब तो हो जाता था इसके अंदर। तो अब चलते हैं गाड़ी के अंदर, देखते हैं गाड़ी के अंदर का पूरा सीन, हाल क्या है भाई लोग। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं भाई इसके स्पीडोमीटर की, तो भाई ऐसा कुछ इसका स्पीडोमीटर, सब मैं ऑन करके दिखाता हूँ आपको कि स्पीडोमीटर में क्या क्या दिखता है, थोड़ी सी लाइट आ रही है सामने से, भाई ऐसा कुछ इस पर स्पीडोमीटर हमें दिखता है जैसा कि आप देख सकते हो, तो ये हमें मिल जाता है, यहाँ हमें 180 तक की स्पीड मिल जाती है, फ्यूल का दिखता है, यहाँ हमारे मीटर सब, बाकी सारी डिटेल आपको इसमें दिख जाती है। बेसिकली अब थोड़े डिजिटल एनालॉग दोनों आ रहे हैं, ये हमें एनालॉग इसमें स्पीडोमीटर दे दिया गया था, ठीक है कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं है। बाकी स्टीयरिंग व्हील की बात करूं तो यहाँ हमें स्टीरियो के कंट्रोल दे दिए हैं, स्टीयरिंग व्हील पर स्टीयरिंग माउंट कंट्रोल आते हैं, बाकी MID का कोई भी कंट्रोल नहीं दिया गया, बीच में होंडा की बैजिंग दी गई है। और ठीक यार ये वाली स्टीयरिंग काफी प्यारी लग रही है देखा जाए तो, मतलब ग्रिप वगैरह काफी ठीक मेरे को लगी, कंफर्टेबल ग्रिप है, ठीक अच्छी चीज है। बाकी ऊपर है डैशबोर्ड की बात करें तो डैशबोर्ड हमें पूरा ब्लैक फिनिश में डैशबोर्ड मिल जाता है जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हो, कोई भी लेदर वेदर की फिनिश नहीं दी गई थी। बाकी एसीज तो नॉर्मल एसीज इसके अंदर दिए गए, गोल वाले अब थोड़े अलग अलग आते हैं, जैसे मैंने अपनी बलेनो में देखा होगा आपने, तो उसके एसीज थोड़े अलग अलग से हैं, शेप अलग है, बट मेरे बलेनो के एसीज में थोड़ी सी दिक्कत है, उसकी वीडियो में जल्दी लेके आऊंगा मुझे क्या फील हो रही है वो दिक्कत। बाकी बात करें इसके स्टीरियो की तो ऐसा स्टीरियो नॉर्मल इसका स्टीरियो आता था, अब तो काफी हो चुके हैं, मतलब काफी हाईटेक हो चुकी हैं गाड़ियां, बट उस टाइम पे ये स्टीरियो काफी अच्छा चलता था, जहां तक कि मुझे लगता है ठीक लगा था मेरे को ये स्टीरियो जब मैंने ये देखा था। तो नीचे बात करें तो नीचे में एसी के कंट्रोल मिल जाते हैं जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो, ये सारे एसी के कंट्रोल उन्होंने दे दिए गए हैं। बाकी और नीचे चलते हैं तो नीचे में मिल जाते हैं यहाँ पे दो कप होल्डर्स, यहाँ पे स्पेस मिल जाती है थोड़ी सी रखने के लिए फोन वगैरह, और नीचे की साइड में मिल जाता है
कार चार्जर, 5 मैनुअल गियर दिए गए हैं, काफी गोल टाइप में इसका लुक है, ठीक ठाक सा लुक है, मैनुअल ट्रांसमिशन तो ये दी गई है, और पीछे जाना तो यहाँ मिल जाती है हैंड ब्रेक, कोई भी आर्मरेस्ट का नहीं दिया गया, ऑप्शन नहीं है आर्मरेस्ट का, यहाँ में एक और का फोल्डर दे दिया, वैसे एडिशनली आर्मरेस्ट अगर लगाना चाहे तो लगा सकते हैं। तो ये सब हो गया, सब ड्राइवर साइड से अगर और देखें तो ऊपर की साइड में मिल जाता है सनवाइजर, सनवाइजर पर हमें कोई भी मिरर नहीं दिया गया, बीच में हमें मिल जाता है एक मिरर, और साइड वाले सनवाइजर पर चले साइड वाले सनवाइजर पर हमें एक मिरर मिल जाता है। ये बेसिकली मेरी बलेनो में भी आता है भाई, बलेनो ही अपने पास उसी से बताएंगे हम तो। तो भाई अगर वीडियो अच्छी लगे तो भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। चलते हैं इसकी को पैसेंजर साइड पे, फिर करते हैं बाकी सारी बात कि को पैसेंजर साइड पे क्या सीन है। चाबी निकाल लेता हूं मैं इसके यहां से, चलते हैं को पैसेंजर से, फिर देखते हैं को पैसेंजर साइड का सीन। बाकी मतलब मैं बताऊं यार, बॉडी मेरे को काफी स्ट्रांग लग रही है इसकी, मतलब ऐसे देखते हैं भाई मेरी बलेनो तो बसती है, बहुत ज्यादा बसती है। को पैसेंजर साइड की बात कर लें तो इधर से अगर लोग भाई देखें तो भाई ये हमें ग्लव बॉक्स मिल जाता है, ठीक ठाक सा ग्लव बॉक्स, और क्रीम और ब्लैक का जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। सीट्स भी काफी कंफर्टेबल दी गई है इसमें मेरे को, मतलब सच्ची बताऊं अमेज, अगर होंडा की गाड़ियों की बात की जाए तो उसके नए वाले वेरिएंट में मुझे बहुत अच्छे लगे, पुराने वाले वेरिएंट भी देखें तो बहुत सही। मैंने ओनर से पूछा था भाई उनका एक्सपीरियंस कैसा है, तो वो बता रहे थे भाई मैं तो बहुत ज्यादा खुश हूं उससे, और 7-8 साल के हिसाब से इस गाड़ी में मुझे कोई दिक्कत नहीं लगी है, एक्सपीरियंस भी जरूर लेकर आऊंगा। तब तक इस वीडियो को आप लाइक कर चुके होंगे मैं ये होप करता हूं, और नहीं किया तो भाई कर दो, थोड़ा मोटिवेशन जरूर मिलता रहेगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। अब अगर बैठे पीछे साइड में तो भाई लेग रूम, लेग स्पेस भी काफी ठीक दी गया है, हेड रूम की बात करें तो हेड रूम भी ठीक ठाक मिल जाता है, बीच में मिल जाती है हमें लाइट, साइड में हमें दे दिए गए हैंडल्स, और पूरी गाड़ी में ब्लैक और जो क्रीम का कॉम्बिनेशन है वो बहुत ज्यादा सही लग रहा है। आप एक बार इसका पीछे से पूरा लुक देख सकते हो, ऐसा कुछ इसका लुक दिया गया, मतलब जबरदस्त गाड़ी बनाई थी जब भी ये होंडा ने इस पर काम किया था, मतलब अमेज अच्छी खासी सेल हुई थी उस टाइम अमेज की, बट थोड़े बहुत फेसलिफ्ट की हर गाड़ी में जरूरत पड़ी है, तो इसलिए उन्होंने थोड़ा उन्हें नया निकाल दिया, बट वो डब्बा सा बना दिया, पता नहीं क्या करने की कोशिश की जा रही थी। अब चलते हैं भाई इसके पीछे वाले पोर्शन में, देखते हैं पीछे वाले पोर्शन का हाल क्या है, हाल है या बेहाल तो नहीं है। तो भाई बूट स्पेस की अगर बात कर लें तो इसे मैं यहीं से अनलॉक कर लेता हूं, फिर बूट स्पेस भाई ये इसकी बूट स्पेस ओपन होगी भाई, 400 लीटर की बूट स्पेस हमें इसके अंदर दे दी गई है, ठीक है भाई 400 लीटर की बूट स्पेस काफी सही रहती है गाड़ी में, और अगर आपको सामान रखना हो सेडान अगर ले रहे हो तो आप इतनी बूट स्पेस सोचोगे। नीचे हमें मिल जाता है इसका स्पेयर व्हील, स्टील रिमीज के अंदर स्पेयर व्हील दिया गया है, और डीप अच्छी खासी डीप बूट स्पेस दी गई है, तो इसमें आप अगर सामान वामान रखोगे ना तो कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से रख सकते हो, 5 लोग बैठ के सामान आराम से लेकर जा सकते हो, और बाकी तो ठीक है बूट स्पेस 400 लीटर बहुत होता है मेरे हिसाब से। तो ये तो इसका पूरा हमने गाड़ी का देख लिया, बट अब चलते हैं भाई लोग इसकी इंजन की साइड, तो इन सबसे पहले मैं इसे करता हूँ अनलॉक, जैसे नॉर्मली यहीं से अनलॉक होता है। बाकी देखा जाए तो बिल्ड क्वालिटी ठीक है इस गाड़ी की, मतलब अच्छी बिल्ड क्वालिटी दी गई है, कि इंजन ही दिखा रहा हूँ यार ऐसी क्या बात कर रहा हूँ, इंजन में अनलॉक कहाँ से होगा ये, हाँ यहीं से हो जाएगा। हाँ तो भाई लोग ये है होंडा अमेज का बहुत ज़्यादा 1500 cc का पावरफुल इंजन, डीजल वेरिएंट ये है इसका, जो कि मैक्सिमम पावर जनरेट करता है 99 bhp की, और मैक्सिमम टॉर्क जनरेट करता है 200 nm का। बाकी माइलेज की अगर बात करें तो कंपनी उस टाइम पे क्लेम करती थी 27.4 की एमपीएल का, और बाकी जो भी होगा हम ओनर से एक बार जरूर पूछेंगे, इसके बारे में बात जरूर करेंगे। बाकी तो ये इंजन अगर देखें तो भाई ये पूरा इंजन जो दिया गया है ना बहुत सही है, मतलब फिनिशिंग वगैरह इंजन की उस टाइम पर भी काफ़ी अच्छी दी गई है। बाकी मारुति ने अपनी गाड़ियों की फिनिशिंग वगैरह की तो ऐसी तैसी कर रखी है इंजन साइड से, बाहर से लुक भाई इस गाड़ी के अच्छे हैं, बट ना ही बिल्ड क्वालिटी देती है मारुति, और ना ही इंजन थोड़ा अच्छे से देती है। 1200 cc का इंजन आता है बलेनो के अंदर। बाकी अगर देखें तो गाड़ी वैसे बहुत ज़्यादा प्यारी है, आप इसका पूरा लुक देख चुके हैं, मेरे को काफ़ी पर्सनली बताऊं तो मेरे को काफ़ी ज़्यादा अच्छी गाड़ी लग रही है दिखने में। बाकी एक बार इसे चला के ज़रूर देखेंगे जिस दिन हम ओनर से मिलेंगे, और अगर आपको किसी और गाड़ी की डिटेल चाहिए हो तो भाई मेरे को आप कमेंट कर सकते हो, मैं वहाँ से आपको ज़रूर बताऊँगा। और वीडियो अगर यहाँ तक देखी है तो भाई थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक बने रहिए मेरे साथ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, ख्याल रखिए।